नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंबई इंडियंस टीम के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट की मुसीबतें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। सबसे पहले टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपए का फाइन लगा, जिसके बाद अब मुंबई टीम के खिलाड़ी टिम डेविड और बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड पर जुर्माना लगा दिया गया है। दरअसल जिस वजह से इन दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा है, उसकी वजह मुंबई और पंजाब के बीच हुए मैच में छिपी है। मुंबई जब पंजाब के खिलाफ बैटिंग कर रही थी, तब 15वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से जो मैच के बाद चर्चाओं का केंद्र बना रहा। 15वें ओवर में जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, तो अर्शदीप सिंह ने एक फुल गेंद डाली जो ऐसा लग रहा था कि वाइड गेंद है, लेकिन एम्पायर द्वारा उस गेंद को लीगल गेंद करार दिया। जिसके बाद जब कैमरे में मुंबई के डगआउट की तरफ फोकस किया, तो मुंबई के हेड कोच मार्क बाउचर और बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड और टिम डेविड ने इशारा करते हुए सूर्य कुमार यादव को रिव्यू लेने के लिए कहा। उस वक्त सूर्य कुमार यादव 47 गेंद पर 67 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद यह वीडियो खूब चर्चाओं में आया। जिसके बाद आज एक एडवाइजरी जारी कर आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.15B के तहत दोनों ही खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है। क्या कहता है आईपीएल का यह नियम, चलिए देखते हैं। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.15B में लिखा है कि कोई भी खिलाड़ी अगर मैदान में खेल रहा है, तो वह मैदान के बाहर किसी खिलाड़ी या टीम मैनेजमेंट से कोई भी हेल्प नहीं ले सकता। डेविड और पोलार्ड पर लेवल 1 के ऑफेंस के तहत मैच फीस का 20% जुर्माना लगा है, जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने इस गलती को माना, जिस वजह से उन पर फाइन लगा है। इसी तरीके की तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।